हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे पुआ की बहुत हेल्दी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने एक कप पुआ लिया है, दो बड़े चम्मच मैदा लिया है, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। यहाँ पर हमने सारे मसाले लिए हैं, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर लिए हैं। यहाँ पर एक कप धनिया की पत्ती, एक प्याज काट कर ले लिए हैं बारीक, दो हरी मिर्च काट कर ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने पुआ को 10 मिनट पहले भीगने के लिए रख दिए थे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर हम पुआ को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक बोल लिए हैं, इसमें हम मैदा, कॉर्नफ्लावर और नमक डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, सारे डाल देंगे, आप देख सकते हैं। अब इसे हम घोल बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। तो पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम घोल लेते हैं इसे, इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हल्का मोटा ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम घोल को तैयार, यहाँ पे घोल रेडी है आप देख सकते हैं। तो अभी इसे किनारे रख देते हैं और यहाँ पे पुआ को अच्छी तरह से आटों से मैश कर लेंगे। तो हम मैश कर लिए यहाँ पे, यहाँ पर हमने दो आलू बॉईल कर ले लिए हैं, इसे डाल देंगे आलू को। आलू को डालने के बाद पुआ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पर हम जो मसाले लिए थे ये डाल देंगे। आप इसमें कोई मसाला स्किप भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और यहीं प्याज, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च भी डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से डाल देंगे। आप इसमें और मसाले डाल सकते हैं, जो मसाले पसंद है आप इस आप अपने पसंद से सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया, हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे और इस तरह से इसे टिक्की की शेप में बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह सेम तरीके से बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं बनाकर। ये देखिए, इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर हमने सारे बना लिए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने पोहा लिए हैं, इसे भिगोए नहीं, उसी तरह से लिए हैं आप देख सकते हैं। इसे हम कोट करेंगे, आप पोहा की जगह ब्रेड को पीस कर ले सकते हैं, उसका कोटिंग कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह से मैदा में का जो घोल बना कर रखे थे इसमें डिप करेंगे और इसे फिर पोहा में डालकर इसे कोट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो सेम तरीके से सारे बनाएंगे, आपको हम कोट कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये ना इसे कोट करने से पोहा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कोट कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे बनाएंगे सेम तरीके से, आप देख सकते। दूसरा बना कर दिखाते हैं आप लोगों को, सेम तरीके से सारे बना लेंगे। यहाँ पर हमने सारे बना लिए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो जो बना कर रखे हैं इसमें एक एक करके डाल देंगे सारे, जितना एक बार की कढ़ाई में आ जाए उतना ही डालिए, एक साथ ज़्यादा नहीं डालिए, नहीं तो टूट जाएगा और अच्छी तरह फ्राई भी नहीं होगा। तो आप हमने डाल दिए, अभी से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो अभी इसे नहीं टच करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब इसे टच करेंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे टच करके और इसे पलट देंगे और इसी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे सेम तरीके से। तो हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, आप ही को बोल रहे हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये देखिए, यहाँ पे फ्राई हो चुका है। तो इसे निकाल लेंगे हम, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत क्रिस्पी बनता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सेम तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे, इसे निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम दूसरा बैच डाल देंगे और दूसरा बैच को भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। तो हम सारे निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। आपको तोड़ कर खाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा और खाने में बहुत यम्मी लगेगा। तो आप लोग अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और कमेंट कीजिए आप लोग कौन कौन सी रेसिपी देखनी है।